ज्यादा है, अगर वो लोग पैनिक कर गए तो वो नीचे आ सकते हैं, क्योंकि लीड ज्यादा नहीं है क्रिकेट में। एग्जैक्टली, यहाँ पे स्पीड ट्रांसफर करने की कोशिश, ब्रॉलर आइकॉनिक सामने नेपाली ओनी का एक प्लेयर है, एंड यहाँ पे कार पोस्ट करके निकाला नोआ ने एक किल, एंड नेपाली ओनी यार ऑलरेडी वन मैन स्क्वाड थ्री मैन स्क्वाड खेलना पड़ेगा इस वाले मैच में। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच था यहाँ पे नेपाली ओनी के इस वाले प्लेयर का, बट अब देखते हैं थोड़ी और लूट यहाँ पे मिल जाएगी ईटीजी ब्रॉलर्स के प्लेयर को। बट अब सांगवान स्पॉटेड है सामने, दक्ष सिंगल टैप यूज कर रहे हैं 16A4 का, एंड अब इंस्टेंट कवर बिकॉज रिच खेल रहे थे वो लोग, अब गॉड लाइक के दक्ष मेरे ख्याल से इजी स्पॉटिंग, अब ईटीजी ब्रॉलर को वहां पे पोजिशन चेंज करनी पड़ेगी। Yes, ये पोजीशन जैसे मैंने बोला था बहुत सही है, लेकिन जिस पोजीशन में ईटीजी ब्रॉलर्स है वहां से गॉडलाइक को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एंड उल्टा गॉडलाइक से भी ईटीजी ब्रॉलर्स के लिए अभी के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में अगर नॉक भी होता है तो कवर में आकर रिवाइव हो सकते हैं। प्रॉब्लम होने वाला है अगर जोन यहाँ पर काटता है उसके लिए प्रॉब्लम होगा, एंड नारुतो का बहुत ही प्यारा नेट से जोकर नॉकआउट हो चुका है, एक और नेट उसका है। अभी आरआईबी का टीम पूछ रहे हैं, आरआईबी का टीम के जो पोजीशन कल था वो पोजीशन आज वो लोग होल्ड नहीं कर पाए, इधर स्प्रे करते हुए आरआईबी लेजेंड ने कवर पुश कर चुके हैं, उधर जोकरों पर नॉक है, उन लोगों का स्टार प्लेयर ट्रिगर को भी इधर स्काई ने नॉकआउट कर चुका है, तो आईएनएस यहां पर बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन में खेलते। एग्जैक्टली, अब यहां पे पुश आ रहा है नारुतो का, अब ये लोग अब गेम स्टडी करना अच्छे से जान चुके हैं, बिकॉज जोकर को उनको पता है अब रेव मिलने नहीं वाला, वो लोग गिव अप कर चुके हैं, बट विश्वा के पास एक अच्छा एडवांटेज है जहाँ पे वो नारुतो को स्पॉट करके, बट यहाँ पे नारुतो भी थोड़ा ज्यादा अपने आपको एक्सपोज नहीं कर रहा, आरएबी का स्क्वाड हमें दूसरी साइड से भी इनको घेर रहा है, अब पता है ट्रिपल स्टोरी में दो प्लेयर बचे हुए यहाँ पे स्मोकी एंड विश्वा, जोकर यहाँ पे आ रहा है वेट करने के लिए, उसको पता है फिनिश हो जाऊंगा, बट उसको वेट कर रहा ताकि नारुतो बाहर है, बट स्टिल सामने से कोई कवर पॉइंट देखने को मिला नहीं। यहाँ पे लेजेंड टेम्पेस्ट थोड़ा क्लोजिंग कर रहे हैं, बट अभी आरएबी नारुतो को थोड़ा बहुत संभाल के रहना चाहिए, बिकॉज पीछे से बैक स्टेप भी हो सकते हैं, बिकॉज पीछे पूरा फ्री है, एंड सामने अब थ्रोएबल्स ही है जो इस पुश को एक 110% अश्योरेंस देता है, बट यहाँ पे वही बात आ गई, स्मोक यहाँ पे नॉक डाउन हुआ है, अब यहाँ पे हसल देखने को मिलेगा, नारुतो यहाँ पे सबसे लास्ट आएगा, बट यहाँ पे विश्वा हैज बीन कंप्लीटेड, बिकॉज पीछे वाली विंडो से इजिली ये स्टेयर्स एक्सपोज थे, एंड यही कॉम्पिटेटिव प्लेयर और एक क्लासिक प्लेयर को डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पे आरएबी का स्क्वाड 5 किल्स ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, विच इज डिमोलिशिंग दिस मैच। यस, आईएनएस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा आ चुका है, क्योंकि उन लोगों का डिफेंस सामने वाले टीम से ज्यादा नहीं था, उधर एनटीडी के स्क्वाड ने ब्रिज का होल्ड करके रखा, जो पोजीशन से वो लोग अच्छे खासे किल्स निकाल सकते, तो एनटीडी आर प्लेइंग एग्रेसिव इन दिस मैच, एंड कॉटलेक स्क्वाड उन लोगों के सामने से रोटेट मारकर निकल गए, ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए, एंड लेकिन एंटो वहां पर रुक चुके थे, वहां पर एनटीडी वर्सेस कॉटलेक एंटो हो सकता है, ईटीजी ब्रॉलर्स फास्ट वाले रीच पे है, तो उधर ट्रायंगल फाइट देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली, अब एनटीडी को पता है यसनाया के आसपास वाली रोटेशन है, अब उनके तरफ के सर्कल की बात अगर हम करें तो उनके उनके ऊपर जोन बना है काइंड ऑफ, एंड अब यहाँ से देखते हैं कैसा स्मार्ट प्ले दिखाते हैं, कैसा किल्स वो लोग निकालते हैं, बिकॉज किल्स की जरूरत है एक सेकंड डिनर की अगर वो फिर से पोजीशन होल्ड करें, बट यहाँ पे गॉडलाइक का टीम उनके सामने से जा रही है, अगर आप देखो तो टीडीपी का स्क्वाड आराम से अपना कंपाउंड होल्ड कर रहा है, बट कुछ ज्यादा स्प्रे देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी उन लोगों को, बिकॉज वो जल्दी ही निकल गए पास बात करके, बट यहाँ पे टीम नंबर 7 के ऊपर यहाँ पे फनाटिक स्काउट ओपी ने स्प्रे डाला था, बट कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ इतना। यस, रॉजर खोल करके बैठे फिनेटिक के स्क्वाड सामने है, महम का स्क्वाड, दोनों स्क्वाड को अभी के लिए तो ज्यादा रोटेशन मारने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जोन कहाँ कटेगा उसके ऊपर पूरा गेम डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर जो रोजो का रिवर है उसको ऊपर की तरफ कट गया तो नीचे वाले टीम को रोटेट मार के ऊपर जाना पड़ेगा, अगर वो नीचे की तरफ कट गया तो ऊपर वाले टीम को नीचे आना पड़ेगा, एंड ब्रिज पे ऑलरेडी अगर हम लोग देख पा रहे हैं मिनी मैप पे राइट वाले ब्रिज पे एक साइड पे एनटीडी होल्ड कर बैठे हैं, एक जैसे इधर देखने को मिल रहा है, एंड एक साइड पे इधर गॉडलाइक होल्ड कर बैठे हैं, इधर जोनाथन का हेडशॉट ले पाता है वही इधर देखने को है। Exactly, अब यहाँ पे एक हेडशॉट कनेक्ट होता है और एक डीएमआर इनके पीछे बैठा हो स्पॉट करने के लिए, तो मेरी क्या ओके, तो एक शॉट मिस हुआ यहाँ पे जोनाथन की साइड से, बट नाउ ही इज बीन स्पॉटेड, अब गॉडलाइक भी इस वाली साइड का भी एक कवर लेके बैठेगा, बट अभी एंटो थोड़ा सा पीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे एलेक्स वाईटी नॉकडाउन होते हुए अपनी टीम के, एंड अभी फाइनल बॉस ने नॉकडाउन करा एक और, किसले ने फिनिश करे वहां पे प्लेयर्स, अब ओके क्या नॉक था, क्या फ्लिक था ये वाला, गॉडलाइक एंटो हैज बीन नॉक्ड आउट विद दैट एंटिटी जोनाथन हेडशॉट। Now, एक चांस है यहाँ पे जहाँ पे पीछे से ब्रॉलर आइकॉनिक है, वो लोग पुश कर सकते हैं इनके ऊपर, बट एक चांस यहाँ पे दिया था एनटीटी ने कि सामने एक नॉक, एंड अब देखो कवर देखो यहाँ पे गातक का एक डिसीजन यहाँ पे अगर बने आईजीएल का, एक नॉक है पुश, तो ये देखो इसी चीज की बात कर रहा था, अब देखते गातक क्या वहाँ पे जाते, बट ही इज ट्राइंग टू गो इनटू द जोन, बिकॉज जोन कटा है वो रिवर के ऊपर, अब एक चांस था लेकिन कुछ नहीं करते, जोन का प्रेफर देना पड़ेगा, जोन सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक किल पॉइंट अगर लेके जाते हो अभी 15 स्क्वाड अभी बचे हैं, एंड आपका एक दो प्लेयर जोन के बाहर नॉकआउट हो जाता है तो आपके लास्ट जोन के अंदर आपका चारों बंदे खड़े नहीं रहेंगे, एंड वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर लास्ट जोन में आपका चारों के चारों बंदे बचे रहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्काउट नहीं है पर ऑग उठा चुका है, स्काउट के लिए यहाँ पर अच्छे खासे किल्स निकाल सकता है, फिर जो पोजीशन मैंने बोल रहा था इधर से एक और स्क्वाड रोटेट मार रहा है,
देखें एंड इधर से जीरो डिग्री का स्क्वाड भी उधर रोटेशन मार्केट निकल जा रहा है, आरआईपी का स्क्वाड बहुत प्यारा बच रहा है यहाँ पर। ओके बट यहाँ पे एनटीटी कहां तक ने स्पॉट करा, आईएनटी के प्लेयर्स को न्यू इज ट्राइंग टू क्लोज इन बट वहाँ पे स्मोक बॉल्स बन चुके हैं, वहाँ पे व्हीकल को अगर ये लोग बस डाउन करे तो मेरी ख्याल से इजीली वहाँ पे दो प्लेयर को टेक डाउन कर सकते हैं जो स्लेयर है और दलजीत है वहाँ पे, अगर एक वहाँ पे नॉक मिल जाता तो मेरी ख्याल से एनटीटी गेमिंग वहाँ पे वापस आ जाता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सांगवान ने नॉक डाउन करा टीडी विकेश शगर को एंड यहाँ पे इट्स के ने नॉक करा है जेड के ब्लेजी को। अब फनाटिक के पास एक चांस है जहाँ पे वो लोग थोड़ा और डीप जा सकते हैं बट यहाँ पे ए ड्रॉप है लेफ्ट साइड में, फनाटिक ओवेज या तो फिर स्काउट भी उस ए ड्रॉप को लेने की कोशिश करें, फॉर वहाँ पे और तो उठा लिया ऑलरेडी उठा चुका है वहाँ पर ब्लेजी है पर नॉक उस तरफ पे मैंने देखा कि एनटीटी घातक भी नॉकआउट हो चुका है तो ऊपर अब आइकॉनिक को देखो बट अगर वो पैन अगर हटा दे तो मेरी ख्याल से आइकॉनिक ओके यहाँ पे स्पॉट कर लिया है टेम्पेस्ट ने बिकॉज वहां पे कोई फ्लैश हेडर नहीं था उनके पास, एंड टेम्पेस्ट यहाँ पे किल कंफर्म करेंगे फॉर श्योर। बट यहाँ पे सांगवान अभी भी अपना स्प्रे ट्रांसफर कर रहे हैं सामने, क्या यहाँ पे उस आयरन साइड में आ पाएंगे कि नहीं, बट यहाँ पे फिनिश करो कि किल स्टील करा यहाँ पे वैम्पायर ने आरएपी टेम्पेस्ट का एंड डीटी की प्रॉब्लम सांगवान यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं बट एमवाईएम इट्स लाइकली टू विन दैट चिकन डिनर एंड देव गॉट इट, टीम मेयम हैज गॉट दैट चिकन डिनर, क्या मैच है वाला With 11 kills. Exactly, भाई बहुत सही खेले, बहुत सही खेले महम ने वहां पर जो पूछ किया था वो आरबी को आई थिंक वो